विराट और सचिन द बेटर बैट्समैन? विराट। विराट। मरना है क्या भोसड़ी के? मरना तेरे को डर नहीं लगता? तो और के केएल आर्मी क्या चल रहा है? तो यार आजकल सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ना सिर्फ एक ही बंदा छाया हुआ है, हार्दिक पांड्या। नहीं यार, अगर तुम सुबह उठ के सबसे पहले फेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम खोलते हो ना, तुमको सबसे पहले इसी भाई साहब की मीम सामने देखने को मिलेगी। तो यार हुआ कुछ ऐसे कि कुछ दिन पहले हार्दिक पांड्या और केएल राहुल गए थे इंडिया के सबसे बड़े टॉक शो कॉफी विद करण में, और वहां जाके इन भाई साहब ने जो संस्कारी बातें की है ना यार, उस बातों को देख के ना कतई आलोक नाथ की रो पड़े। तो चलो आओ ना यार आज इनकी उच्च संस्कारों वाली बातों पे नजर मारते हैं, और बिना किसी लौड़ा लसन के ना लेट्स गेट स्टार्टेड। विराट और सचिन द बेटर बैट्समैन? विराट। हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी। भाई माना कि आपकी मजबूरी है, आपको इंडियन क्रिकेट टीम में खेलना है, पर भाई एक चीज कान खोल के सुन लो, सचिन सबका बाप है। और भाई इसमें कोई शक नहीं कि विराट कोहली आज के समय का सबसे बेस्ट प्लेयर है, पर भैया इसका मतलब ये नहीं कि आप सचिन सर और विराट भाई को एक साथ कंपेयर करो। और भाई ये भी मत भूलो कि आप दोनों किसको देख के इंस्पायर हो क्रिकेट खेलने के लिए। और यार बात यहीं खत्म नहीं हुई, भाई साहब ने शो पे जाके ऐसी ऐसी बातें बोली है ना लड़कियों के बारे में कि भैया इनको दबा दबा के हिट मिल रही है। What are you exactly talking and I want to know? It's not talking, it's just watching how they move. As I said, I'm little from black side, no, so I have to see how they move. यहाँ भाई से पूछा गया कि भाई अब लड़कियों से क्या बात करते हो, तो भाई साहब बोलते हैं कि उनको लड़कियों से बात करने में इंटरेस्ट नहीं है, पर भैया उनकी फिगर को टानने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। It's not talking, it's just watching how they move. बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। और भाई मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि हार्दिक पांड्या इस शो में कौन सा नशा करके आए थे। मतलब भाई आपके इतने सारे फैंस हैं, फॉलोअर्स हैं, आपको फॉलो करते हैं, अपना आइकन मानते हैं, पर भैया आप एक शो पे जाके ऐसी बातें बोल रहे हो। It's not talking, it's just watching how they move. शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों भगवान से डरो। I've been like open about everything. When they I know lost all my about virginity, when I lost virginity only I can lose. So I told them I said आज कर क्या है, my parents are watching. भाई माना कि बहुतों की family open minded होती है और मेरी भी family open minded है, पर भैया ऐसी बातें कौन करता है family से? I told them आज कर क्या है, my parents are watching. पहली बात तो आदमी शर्म से मर जाएगा ऐसी बातें अपने family से करने, और अगर कर भी देता है ना तो भैया उसकी हालत कुछ ऐसी हो जाती है। Papa, I'm sorry. नहीं। My parents are sitting and I'm like, they're like, अच्छा तेरा वाला कौन कौन है? I actually said with them and I'm like, ये, मतलब सबके साथ कुछ ना कुछ रहा है मेरा। बोलते वाह, वाह, proud of you बेटा। हैं, proud of you बेटा? यहाँ बेटा बाप को बता रहा है कि मेरा इतनी सारी लड़कियों के साथ कुछ ना कुछ रह चुका है, और भैया बाप बोल रहा है। बोलते वाह। वाह, प्राउड ऑफ यू बेटा। अरे अंकल सबसे पहले मुझे ये बताओ कि इसमें प्राउड होने वाली क्या बात है? और तो और यार हार्दिक पांडे की इतनी वाहियात बातें शो पे बोले जाने के बाद भी उनके पापा उनको बकायदा सपोर्ट कर रहे हैं, ये बोलते कि हार्दिक इनोसेंट फन लविंग नेचर का लड़का है और उसने जो भी बातें बोली है शो पे वो सिर्फ ऑडियंस के एंटरटेनमेंट के लिए बोली है। अरे अंकल शो पे जाके बोलना कि मुझे लड़कियों से बात करने में नहीं उनका फिगर देखने में ज्यादा इंटरेस्ट है, ये एंटरटेनमेंट नहीं होता। और भैया एक ऐसा शो जिसको लाखों करोड़ों लोग देखते हैं वहां जाके बोलना कि ये एंटरटेनमेंट नहीं होता। यार जो भी हो, इसके बाद हार्दिक पांड्या ने सबसे माफी मांगी है ट्विटर और इंस्टाग्राम पे, और भैया इसके बाद उनको ऑस्ट्रेलिया सीरीज से बैन भी कर दिया गया है। और यार मैं सच बता रहा हूँ, अपने लाइफ की इतनी महंगी कॉफी पीने के बाद ना हार्दिक पांड्या कॉफी की कभी शक्ल नहीं देखने वाले। चलिए आप भैया हमारे साथ कॉफी पीजिए। तो बस यार आजकल ऐसे नहीं खत्म करते हैं, वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और कमेंट करके बताओ यार कि तुम लोग क्या सोचते हो इस मुद्दे के बारे में। और यार अगर तुम लोग हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाओ और बाजू में जो घंटा है उसको भी दबाओ। और यार हमारा सेकंड चैनल है कल का गेमर भाई, उसको भी सब्सक्राइब करो, उसको भी चेक करो। तो चलो यार मिलता हूं मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नाक बंद, खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बन, छोटे थोड़ा शाप बन, चार जन जब करेंगे तेरी बुराई तब समझ जाना कि तू बेटा मचा रहा है तब भाई, ओ भाई भाई या भाई तुम काहे को जाए, जब जाना आगे है तो नजरें कर दे माइक।